आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं अनुराग। आज हम बात करेंगे रावण की। विजयदशमी दशहरा हर साल लोग मनाते हैं, रावण के पुतले फूंकते हैं, उन्हें लगता है कि रावण मार दिया गया, लेकिन रावण तो हमारे भीतर है। लेकिन क्या रावण सिर्फ एक खलनायक है? क्या रावण सिर्फ मारने योग्य है? या रावण का पुतला सिर्फ जलाना, इससे हमारे सारे क्रियाकर्म पूर्ण हो जाते हैं? हम खुद सच्चरित्र हो जाते हैं रावण को मार के, या अपने भीतर राम को विकसित कर लेते हैं? इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, पत्रिका टीवी के प्रमुख शैलेन तिवारी जी। शैलेन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रावण बहुत जिज्ञासाओं का विषय है। दादी नानी की कहानियों से अलग अलग फ्लेवर रावण में मिलते रहते हैं। और आपने किताब लिखी कि रावण अपराजेय योद्धा। आपकी किताब पढ़ने के बाद रावण का एक दूसरा रुख सामने आता है। आप जब रावण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है आप रावण के प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं रावण के प्रवक्ता नहीं, मैं तो उस चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने का प्रवक्ता हूँ कि चीज़ें सिर्फ आप एक नज़रिए से मत देखिए। जो चीज़ें हो रही थी, पहली चीज़ अपराजय योद्धा, ये कैसे? देखिए, एक चीज़ समझिए कि अगर आप किसी चीज़ को आप अपने हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब क्या है? पराजय कहाँ होती है? पराजय वहाँ होती है जहाँ आप कोई चीज़ तय करके जाएँ कि मुझे ये करना है और वो आप नहीं कर पाएँ। यहाँ तो रावण राम को लड़ने के लिए पूरे सारे संसाधनों को जुटा करके अपने दरवाजे तक लेके आया। उसे मालूम है कि मुझे राम से युद्ध करना है, राम के हाथों मुझे मुक्ति पानी है, मुझे मरना है और मेरे को पूरे खानदान को, जो मेरे राक्षस कुल है, इसको खत्म करा के सबको मुक्ति दिलानी है। तो वो तो अपना ध्येय लेके चल रहा है ना। अगर उसका ध्येय ये है कि मुझे मुक्ति दिलानी है, अगर वो सफल नहीं होता तो वो पराजय तो उसकी होती कि पराजय है भाई, आप नहीं वो कर पाए। वो तो वो जो चाहता था, राम उसके हिसाब से चल रहे थे। जो ईश्वर को ड्राइव कर ले, उससे बड़ी बात क्या होगी? जो भगवान को तय करे कि उसको कैसे चलना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे नियति के हिसाब से चलना है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? राम चाहते तो पहले दिन भी मार सकते थे। अच्छा, योद्धा तो अद्भुत थे रावण। योद्धा अद्भुत, आप ये देखिए कि जब राम ने, बाबा वाल्मीकि लिखते हैं, जब राम ने पहली बार रावण को देखा तो उन्होंने कहा कि इतना अद्भुत, इतना ज्ञानी, इतना बलशाली, इतना सर्वश्रेष्ठ, ये तो रावण की जो परिकल्पना है शैलेन, मुझे लगता है कि एक जेंटलमैन, अगर आधुनिक शब्दों में कहें तो एक जेंटलमैन जो शारीरिक तौर पर हस्तपुष्ट था, जो बहुत खूबसूरत था, जिसकी भुजाओं में अद्भुत ताकत थी कि वो चाहे तो समुद्र को भी निचोड़ दे, उसमें से भी कुछ निकाल ले, ऐसा व्यक्ति और सीता का हरण करता है। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ, यही तो फिर मैं कहानी क्या है ना, कहानी को क्या है, एक आप टुकड़ों में नहीं समझ सकते रावण को। दिक्कत ये होती है कि रावण को हम टुकड़ों में समझाते हैं। हम हर बार कहते हैं कि साहब वो सीता का हरण किया, उसने किया। सीता को तो बाबा तुलसी तक ने लिख दिया, आप बाबा वाल्मीकि को तो छोड़ दिया, बाबा तुलसी लिख के गए हैं कि सीता तुम करो अग्नि में निवासा, तब तक करूं मैं निशाचर नासा। भाई, वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, सीता तो कभी लंका गई नहीं है। और आप एक चीज़ और देखिए कि अगर क्या रावण इतना बेवकूफ है जो जानता है कि भगवान विष्णु आए हुए हैं राम के अवतार में, और वो हर जगह ये चीज़ को स्वीकार करता है कि राम कौन है। उसके बाद वो कहता है, जब माता लक्ष्मी को पकड़ता है, आप ये देखिए कि माता लक्ष्मी को पकड़ने का साहस क्या किसी भी व्यक्ति में है? रावण क्या कोई भी महान योद्धा होता तो रावण तो उसी पल समझ गया था कि माता लक्ष्मी नहीं है, तो फिर थी कौन? वो वेदवती थी। वेदवती जिसने एक अलग ही अपना, उसका एक अलग कहानी है रावण के साथ, भगवान विष्णु के साथ उसकी एक अपनी कहानी है। वो कहानी तो दिक्कत ये है कि हम चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। हम तो वहाँ तक, आप ये देखिए कि हर घटना के दो पहलू हैं। जब सीता उस अग्नि में गई, तो जब लंका में वापस सीता को लेने के लिए, युद्ध जीतने के बाद जब सीता मिलने आई रावण से, राम से, तो राम ने एक शब्द कहा था। बाबा तो वाल्मीकि ने उससे आगे बात नहीं कही। अगर वो बात अभी पता चल जाए तो लोग पता नहीं राम को गालियां देना शुरू कर देंगे। राम ने कहा था, जो सबसे पहली लाइन गई थी, जब सीता सामने आई तो सीता को इस बात का क्रोध था कि मुझे राम लेने क्यों नहीं आए, अशोक वाटिका संदेश क्यों भिजवाया कि आप आइए। जब सीता आई तो उन्होंने कहा कि सीता, मेरा काम था आपको मुक्त कराना, मैंने आपको रावण की कैद से मुक्त करा दिया, मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन कर दिया, मेरा क्षत्रिय धर्म। देखिए, यहाँ भी उन्होंने ये नहीं कहा मैंने अपने कुल का पालन किया, उन्होंने कहा धर्म, क्षत्रिय धर्म था मेरा ये, क्योंकि मुझे भुजाओं का बल है मेरे पास। अब आप चाहे तो विभीषण के रनिवास में रह सकती हैं, मतलब आप विभीषण की पत्नी होकर रह सकती हैं, आप चाहें तो लक्ष्मण की पत्नी, मतलब लक्ष्मण के साथ जा सकती हैं, आप चाहें तो भरत या शत्रुघ्न, या आप जो चाहें वो कर सकती हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस पत्नी के लिए आप 14 साल जिसके साथ रहे हो, जिसके लिए आपने पूरा लंका का सर्वनाश किया, उसको जब मिला तो आपने क्या कह दिया?
अब इसके आप दो पहलू निकाल लेते हो कि एक पहलू ये निकाल लेता है आदमी के साहब उनको उनके चरित्र पर शक रहा होगा, जबकि हकीकत तो ये थी क्योंकि वो मालूम था उन्हें कि ये सीता है ही नहीं, ये तो वेदवती है, इसको मैं अपने साथ लेकर के क्यों जाऊंगा, मुझे तो मेरी सीता चाहिए। उसके बाद फिर जब बात होती है कि नहीं आप अग्नि परीक्षा दीजिए, वो अग्नि परीक्षा में से जब सीता निकलती हैं वापस, उनको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, तब राम नहीं कहते हैं कि मुझे सीता नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो सीता आ गई ना, जो स्वाहा थी जो वेदवती थी वो अग्नि में, जो उसका स्थान अग्नि में था वो वापस अग्नि में चली गई। तो कुल मिलाकर के कहानियों को जब तक आप पूरे उस सीक्वेंस में नहीं देखेंगे, तुलसीदास जी को पढ़े हम, रामचरितमानस की बात करें, वाल्मीकि रामायण की बात करें, या कंभक ऋषि की रामायण की बात करें, अलग अलग लोगों ने अपने अपने अंदाज में इस कथा को कहा है, लेकिन कथा यही है कि राम रावण, और आज भी हम विजयदशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, तो असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है। नहीं देखिए, ये हमने कलयुग में आके असत्य सत्य कर दिया, बाबा वाल्मीकि ने कहीं भी इसको असत्य और सत्य की लड़ाई नहीं बताया, बाबा तुलसी ने कभी सत्य असत्य की लड़ाई नहीं कहा, लड़ाई दो योद्धाओं में थी, और योद्धा क्या है, देखिए फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैंने जब अपनी बुक का प्रीफेस लिखा तो पहली लाइन ये लिखी थी, राम प्रकृति है, रावण जीवन है, तो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर रावण नहीं होता तो क्या आप राम की परिकल्पना कर सकते हैं, क्या राम को आना पड़ता धरती पर, जरूरत ही नहीं थी भाई, रावण था कौन, रावण जय विजय जो उनका दरबान है, और उसका श्राप लगा जब पंच ऋषियों का, तो वो उनकी मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु खुद आए। अब अगर रावण ही नहीं होगा तो राम कहाँ होंगे, और किसी भी नायक को बड़ा बनने के लिए उससे बड़ा खलनायक चाहिए। तो जब आप लिखने बैठे तो देखिए क्या होता है कि हम लोग लिखने वाले लोग हैं, हम लोग उस जमात के लोग हैं, तो हम कोई भी स्टोरी लिखेंगे तो हम जब नायक बड़ा तभी बना पाएंगे जब हम उससे बड़ा खलनायक लाएं, तो खलनायक रावण बनाया गया वो डिलिबरेटली, वो था कहाँ। एक चीज़ बताइए आप कि मेघनाथ को छुपकर वार किसने किया, मेघनाथ और रावण ने मिलकर 3 बार राम को बेहोश किया, राम और लक्ष्मण को, कोई नहीं लिखता है इस पर। मैं ये नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राम उसकी शक्तियों का एहसास कर रहे हैं। अच्छा, सामान्य तौर पे जब हम समाज में जीते हैं, समाज की धाराओं में चलते हैं, तो नायक खलनायक की बात आती है, बचपन से बताया जाता है कि रावण खलनायक था, शैलेंद्र तिवारी को क्यों लगा कि रावण खलनायक के अलावा भी कुछ था? मैंने इसलिए लगा क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो गलत पढ़ते जा रहे हैं। बाबा तुलसी की दिक्कत ये, बाबा तुलसी को हम लोगों ने जो पढ़ा ना उसकी व्याख्या हमने वही कर ली जो उसमें अवधि से हिंदी करके जो उसमें नीचे लिखा गया है। बाबा तुलसी इतने गूढ़ रहस्य वाले, उनकी एक चौपाई पर आप 1000 साल तक भी रिसर्च कर लोगे ना, एक चौपाई पर, तो भी उसका पूरा गूढ़ नहीं निकाल पाओगे, मैं ये दावा करता हूँ भाई। उनकी चौपाई पर कहा जाता है कि उन्होंने तो लिखा कि साहब ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के मीनिंग आप निकाल लीजिए, अवधि में ताड़ना का मतलब शिक्षा भी होता है, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, ताड़ना का मतलब आपका किसी को पीटना भी होता है। ढोल लिख गया, ढोल ढोर ढोल दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ढोर ढोर मतलब पशुता वाली जो मानसिकता के लोग हैं, ढोर गंवार जो गंवार मानसिकता वाले, शूद्र जो मतलब जिनको हमने मान लिया कि ये निकृष्ट है, इनसे कुछ हो नहीं सकता, पशु जिनके दिमाग में पशुता है, और नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षित करना चाहिए, इनको दीक्षित करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि लेके डंडा इनके पीछे पड़ जाना चाहिए, अब लेकिन लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से निकाल लिया। यही हमारा रावण कहता है कि धर्म की परिभाषा क्या है। ऐसी जब हम बात करते हैं देवी देवताओं की तो बात होती है कि 33 कोटि के, और हमने 33 करोड़ कर दिया। हाँ, तो मैं इसी बात पर तो जो आ रहा हूँ कि हमने अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें करते जा रहे हैं भाई। 33 कोटि, अब कोटि की परिभाषा निकालो तो वो बहुत ही असंख्य हो जाती है। तो सवाल ये है कि पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। दूसरा एक रहा है कि एक बड़ी पीढ़ी गई है इस देश में जिसने इतिहास मुगलों और उस तरह के लोगों का पढ़ा है, उस बीच में जो हमारे संदर्भ थे, हमारे साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई जो सनातन संस्कृति के साथ, मैं किसी धर्म को नहीं जोड़ रहा हूँ, सनातन संस्कृति के साथ एक डिलिबरेटली सिस्टम ये था कि कोई भी चीज़ें होती थी उनको गाने के फॉर्मेट में आगे बढ़ाई जाती थी। रावण पहला आदमी है जिसको भगवान शिव आकर के कहते हैं कि ये चारों वेदों को तुम लयबद्ध कर दो, और कोई नहीं मिला था। आप सोचो काबिलियत भाई, शंकर, अगर भगवान शंकर किसी को चुन रहे हैं तो क्यों लयबद्ध, इसलिए कर लो कि गा के लोगों को हम आगे इनको पीढ़ियों में ट्रांसफर करेंगे, लिख के संभव नहीं है। ये सब बताता है कि रावण जो है सिर्फ शरीर सौष्ठव में ही बली महाबली ही नहीं थे, उनके पास संस्कार भी थे, उनके पास शिक्षा भी थी, उनके पास भवन निर्माण की अद्भुत कौशल भी था। आप देखिए, अगर संस्कार नहीं होते तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सीता को जो आदमी ले गया बल से, कभी छुआ क्या? उसके पीछे लोग एक और तर्क देते हैं कि साहब उनको नल कुबेर का शाप था कि अगर वो किसी भी स्त्री को छुएंगे तो वो खंड खंड हो जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि उनका तब तक नाश नहीं होना है जब तक कि उनके पेट में, नाभि में जब तक अमृत है,
तो खंड खंड कैसे हो जाएगा। दूसरा, जब सीता को उठाया था तो सीता को ये नहीं कहा था कि मैडम प्लीज वेलकम और आप आइए मेरे रथ में, जबरदस्ती उठाया ना। बाबा तुलसी ने लिखा कि जंगा पे बिठा के ले गए, तो जंगा का मतलब कि आपने अपने शरीर से पकड़ा होगा फिर बिठाया होगा उसमें, तो आप तब खंड खंड क्यों नहीं हुए। ये रावण के संस्कार हैं, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और मेरा रावण जब सीता को पकड़ता है, जैसे ही हाथ पकड़ता है, आप ये बताइए कि लक्ष्मण की शक्ति, उसके अंदर रावण नहीं जा पा रहा, आप ये देखिए शक्ति कितनी है, और सीता को हाथ पकड़ रहा है, मतलब आप ये सोचिए कि माता लक्ष्मी को पकड़ रहा है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। माता लक्ष्मी थी नहीं, और रावण खुद कह रहा है अगर ये माता लक्ष्मी होती तो मैं इनको छुके भस्म हो जाता। तो सवाल ये है कि हमने चीज़ों को उस नज़रिए से कभी समझा ही नहीं। बाबा तुलसी जो भी चीज़ें कह के गए उसमें इतना गूढ़ रहस्य, मैं कह रहा हूँ ना कि एक चौपाई पर आप 1000 साल तक अध्ययन करना फिर भी उसका रहस्य नहीं निकाल पाओगे, तो वो दिव्य हैं। तो रावण को क्या समझे? रावण हम हैं, आप हैं, सब हैं। हम उसका पासंग भी बन जाएंगे ना तो शायद जीवन धन्य हो जाएगा। लड़ने के लिए आप हरि से लड़ो जाके ना, नारायण से लड़ो। रावण नीचे किससे लड़ा आप बताओ ना मुझे? नारायण से लड़ने के साहस है आप में? हम आज किससे लड़ते हैं? हम अपने से कमजोर वाले से लड़ रहे हैं ना, हम अपने कमजोर वाले को दबा रहे हैं ना, हम उसको शोषित पीड़ित कर रहे हैं ना। रावण किससे लड़ने गया? तीन युगों के मतलब तीन लोगों के जो मतलब निर्माण करता है, जो सबसे शक्तिशाली है तीनों लोगों के, उससे लड़ने जा रहा है भैया कि बोले आ जाओ तुम आओ, और तुम उनको अपने घर पे बुला रहा है बोले आओ चलो यहाँ बैटल फील्ड बनाएंगे। तो ये सामर्थ्य चाहिए आपको। हम आज की तारीख में क्या होता है कि हम जैसे हमें मजबूत दिखता है ना, बड़ा दिखता है, हम पीछे हट जाते हैं। रावण कलाओं में निपुण थे, वो अच्छे लेखक थे, उनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी गाई जाती हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि उनसे कहा था कि वेदों को लयबद्ध कीजिए। तो यही मैं कह रहा हूँ, आज आप देख लीजिए ना कि रावण संहिता ज्योतिष का उससे बड़ा प्रकांड कोई नहीं है। उसने अपने बेटे का जब पैदा हुआ, आप एक सृष्टि में कहीं पूरे सृष्टि में मैं कह रहा हूँ कहीं उदाहरण नहीं मिलता। भगवान राम पैदा हुए तो उनके लिए ग्रहों को लयबद्ध नहीं किया गया। रावण ने जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो उसने बाकायदा पूरा लयबद्ध किया कि भैया सारे 11वें भाव में आ जाओ इस बच्चे के पैदा होते समय, और 11वें भाव में अगर सब आ जाते तो आप ये मान के चलिए कि मेघनाथ को मारा नहीं जा सकता। शनि, चूंकि शनि की भूमिका ऐसी है कि वो न्याय के देवता इसीलिए कहे जाते हैं, उनने अपना नुकसान होना बर्दाश्त किया और वो हट गए, 11वें भाव में नहीं गए, इसलिए सिर्फ मेघनाथ मारा गया। आप सोचिए इतना शक्तिशाली जिसको ये पता हो। ये सारी की सारी बातें बहुत रोचक हैं जो शैलेंद्र तिवारी जी बता रहे हैं। इनसे चर्चाओं के दौर को जारी रखेंगे, और ज्योतिष संहिता, ज्योतिष के गुण और अवगुण को रावण किस तरह जानते थे, इस पे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। इस खास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ में रावण के विशेषज्ञ, रावण को अलग नजरिए से देखने वाले शैलेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में। हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष के रावण महापंडित थे, और पांडित्य से परिपूर्ण होने के साथ ज्योतिष के भी ज्ञाता थे। पुत्र जन्म को देखे उन्होंने सबको ठीक किया, और जब बजरंग बली उनके यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने नक्षत्रों को बंधे हुए वहां पाया था। इसके तमाम सारे वर्णन मिलते हैं। नहीं तो रावण इसी में देखिए, रावण संहिता अगर मैं बात करूं, आज भी अगर आप कोई भी किताब पूछें तो रावण संहिता आती है। मुझे तो, मैं इसको खोज रहा था तो मुझे बताया गया कि नेपाल के राज परिवार की जो लाइब्रेरी है उसमें उसके कुछ अंश हैं। ओरिजिनल जो किताब कभी रही होगी, उसकी जो पांडुलिपि होती गई, उस पांडुलिपि के जो ओरिजिनल अंश हैं वो वहाँ हैं। लेकिन वो जो उसकी भाषा है वो मुझे समझ नहीं आई। मैं देखने गया था और वो लाइब्रेरी में जाकर देखी, मुझे बताई भी गई कि ये ओरिजिनल की पांडुलिपि है। मतलब जो लिखा था रावण ने वो धीमे 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 जो अपरिवर्तित अपवर्तित होके आया उसका मूल पाठ ये है। तो आप ये सोचिए कि
जो आदमी ज्योतिष विद्या दे रहा है इस सृष्टि को, जो संगीत दे रहा है, जो शिव, मैं तो सिंपल सी चीज ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जो शिव का खुद शिष्य है, जिस पर शिव आनंदित हैं, मतलब फिर तो आपके पास कुछ बचता नहीं, आपके पास गुरु इतना बड़ा है कि भाई शिष्य कब बड़ा मनता है, उसके पास गुरु कितना बड़ा है। और गुरु जब भगवान शिव हैं, आदिदेव हैं, उसके बाद तो आपके पास कोई चीज़ ही नहीं बचती। और आदिदेव भी कब मोहित होते हैं, जब आपके शिष्य में भी वो काबिलियत हो, वो संगीत में निपुण है, वो रण कौशल में निपुण है, वो उसके अंदर मोह नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। रावण को लेकर के पता नहीं क्यों लोग भ्रांति फैलाते हैं, उसके अंदर ना तो माया है, ना मोह है, ना छल है, ना कपट है, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं वो सामने जान के कर रहा है, उसे ये पता है कि मेरी मृत्यु राम के हाथों होनी है, और वो आज नहीं होनी थी, उसकी भूमिका लिखी गई थी जब उसने अयोध्या में महाराजा अनरन्य का वध किया था। महाराजा अनरन्य राम के पैदा होने से 32 पीढ़ी पहले पैदा हुए थे, अयोध्या के राजा थे। जब उनका वध किया तो रावण से उन्होंने कहा था अनरन्य ने कि मेरे कुल में राम होगा और वो तुम्हें मारेगा। तो रावण क्या जानता नहीं है, रावण सब जानता था सारी चीज़ें। ये वही रावण जिसकी मैं बीच में रुक रहा हूँ, आपको शिव तांडव स्रोत की बात करते करते आप रह गए। शिव तांडव स्रोत जैसी रचना आप कल्पना करिए, शिव तांडव जब आप बोलते हो, मुझे नहीं लगता जिसने सुना होगा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुछ तो है उसमें। आप एक चीज देखिए, किसी भी चीज में आज भी भजन आप गाए जाते, भजन से आपके रोंगटे खड़े नहीं होते। शिव तांडव मतलब जिस पर शिव मोहित हो गए, आनंदित हो गए और तांडव करने लगे, और फिर भी तीसरा नेत्र नहीं खुला। मैंने जब ये किताब दूसरी लिख रहा हूं तो मैंने बताया कि तीसरा नेत्र कब खुलता है शिव का, कब नहीं खुलता है। शिव का तीसरा नेत्र खुलता है काम, जब काम पूरा एक स्वच्छंद हो जाता है। शिव कहते हैं स्वच्छंद काम हमेशा नुकसान देता है, काम होना चाहिए, काम एक जरूरत है, जीवन है काम, काम जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसको संतुलित और उसको कायदे में, मतलब उसकी कमान आपकी इंद्रियां जो नारायण है आपके, उसके हाथों में होनी चाहिए, आपकी इंद्रियों के हाथों में होनी चाहिए। आप सवारी करें उस पर, वो आप पे सवारी नहीं करे। अगर वो आप पे सवारी कर रहा है तब फिर तीसरा नेत्र खुलेगा और उसको भस्म होना पड़ेगा। और ये आज के लिए भी लागू होता, जो राम रावण सारी चीज़ें हैं वो जीवन के, वो सारे साइंटिफिक फॉर्मूले दे गए हैं, उन फॉर्मूले में से अगर आधा आधा परसेंट भी अगर हमने ले लिया, 1% ले लेंगे तो हम राम हो जाएंगे। हम तो आधा परसेंट भी कह रहे हैं कि आधा परसेंट भी अगर मान लिया तो आप ये समझिए कि आप आधी कठिनाइयों से बाहर हो जाएंगे, आप बिल्कुल इनसे बाहर निकलते चले जाएंगे। मैंने जब आपने रावण का अध्ययन किया, रावण को लिखा, तो अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो रावण ने भी मर्यादाओं का पालन तो खूब किया है। राम ने कहाँ मर्यादा का पालन किया, मैं तो उल्टा कहता हूँ। और ये जो दूसरी किताब आ रही है उसमें मैंने लिखा है, लेकिन हाँ, राम ने जहाँ जहाँ मर्यादा तोड़ी है उसके पीछे एक कारण था। भाई आप भरे सभा में सबके सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती कर दे रहे हैं कि विभीषण के साथ चले जाओ, क्या आप बोल सकते हो आज अपनी पत्नी को कि नहीं जाके उसके साथ सो जाओ? आपको पब्लिक पकड़ के मारेगी कि आप किस किस दुनिया में बात कर रहे हो। वो सीता से वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उसके पीछे वजह है। रावण ने तो कहीं नहीं बोला। रावण जब मर भी रहा था तो मंदोदरी के लिए कह के गया था कि मंदोदरी मैं तुम्हें लेके आया था और लंका की रानी बनाया था, और तुम मेरे मरने के बाद भी लंका की रानी रहोगी। राम से ये वचन लेकर के गया था कि विभीषण का विवाह मंदोदरी से होगा। विभीषण का विवाह राम के युद्ध के बाद जब वो राज्याभिषेक हुआ तो विभीषण का मंदोदरी से विवाह हुआ। आप ये देखिए कि रावण कितना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कितना आगे का सोचने वाला है कि विधवा विवाह भी वो करा के गया, जी वो विधवा विवाह जिस पर अभी हम और आप राजी नहीं होंगे। हम लोग अभी बहुत जो कहते हैं ना कि हम लोग बड़ा चीज़ों को सोचते हैं, प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव हो गए हमारे विचार। वो उस जमाने में अपनी पत्नी के लिए कह के गया कि भैया महाराज इतनी कृपा कर देना मेरे मरने के बाद, मंदोदरी की कोई गलती नहीं थी, मंदोदरी का विवाह आप विभीषण से करा देना, वो रानी की तरह रहे। यही सुग्रीव के साथ होता है कि तारा का विवाह सुग्रीव के साथ होता है बाली की मृत्यु के बाद। तो ये आप सोचिए कि हम किस दौर में थे और कहाँ आ गए। हम प्रगतिशील नहीं हुए, हम खत्म हो गए हैं। हम जहाँ इस इतना बड़ा विजन था हमारा कि हम संभोग पर नहीं थे, हम समाधि पे थे, हम योग पे थे, हम आज सारी चीज़ें, हम सिर्फ संभोग और इन सारी चीज़ों पर आ गए। हम माया का मतलब ही नहीं समझते। हमने चीज़ बदल दी, हम योग से भोग पे आए, समाधि से संभोग पर आए, तो हमने चीज़ें खुद खत्म की, हम खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या एक दिन रावण जला देने से, रावण का दहन कर देने से चीज़ें खत्म हो जाएंगी? नहीं, मैं ये इसी बात का तो मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप एक ड्रामा के हिस्सा बन रहे हो। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आपको भगत बनने के लिए ड्रामा करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। आप रावण को जला रहे हो, आप पहले तो ये समझ लो कि रावण है क्या। आप रावण को जानते हो नहीं, आप रावण को जलाने खड़े हो गए। आप राम रावण इनको पहले समझो तो चीज़ों को। यार सरयू में डूब करके राम क्यों डूब के मरे? भाई कहा जाता भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली,
लेकिन मैं इसको अगर आज की भाषा में कहूं तो सरयू में डूबकर मरे। क्यों मरे? क्योंकि उन्हें इस बात का जीवन भर पश्चाताप रहा कि उन्होंने किसी गलत आदमी को मारा। आप भी देखिए, उनका परिवार का विध्वंस हो गया भाई, वो अपनी पत्नी साथ नहीं रख पाए, बेटे उनके सामने पैदा नहीं हुए। आप ये सोचिए, किसी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे दुखद क्षण कब होता है कि उसकी पत्नी गर्भवती और वो घर से निकाल रहा हो उसको। और क्यों? क्योंकि आपने जो गलतियां की, देखिए मैंने कहा ना कि नियति आपको कभी नहीं छोड़ती है। जब राम को, भगवान को नहीं छोड़ा तो आप तो कौन से उसमें आते हैं, तो आपके खिलाफ भी वो सारी चीज़ें होंगी। इसलिए गलती करते समय आप हमेशा सोचें। देवप्रयाग और ऋषिकेश, आप इन दोनों की कभी लोग घूम के आ जाते, कभी ये मान्यता जानते नहीं कि है क्या। रावण का जब वध करने के बाद ये दोनों भाई पूरे देश में, मतलब जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल थे, जहाँ जहाँ संगम थे, वहाँ जा जाके उन्होंने मुक्ति की प्रार्थना की कि महाराज गलती हुई है, माफ़ कर देना। आप ये देखिए, देवप्रयाग में राम ने जाके तपस्या की, इस बोध को अपने मन के भीतर जो अंतर मन में बोध था कि मेरे से एक हत्या हुई है, उसका बोध मिटाने के लिए वहां बैठे। रावण के वध के बाद दुखी थे राम। राम बहुत ज्यादा, आप ही देखिए ना कि उन पर एक गोत्र को नष्ट करने का उन पर शाप लगा। तो आप आज आप एक भाई को मारते समय नहीं सोचते, वो तो पूरा गोत्र मारे हो। और ब्रह्म हत्या से बड़ी हत्या होती है गोत्र हत्या। क्या अगर आप किसी को भी गोत्र में मार रहे हैं, सवंश आपने नाश कर दिया, सवंश नाश किया है। तो इसलिए विभीषण को क्यों बचाया गया? रावण क्या जानता नहीं था? विभीषण को क्यों उसने बाहर भेजा? क्योंकि उसे मालूम था कि विभीषण की मृत्यु नहीं आई, और विभीषण तो मुक्ति वैसे ही मिल जाएगी विभीषण को, क्योंकि विभीषण ना जय है ना विजय है, मुझे और कुंभकर्ण को मरना है, विभीषण को नहीं मरना। विभीषण तो इसका पात्र ही नहीं है। तो विभीषण को बाहर कर देता है, लात मार के भगा देता है। और एक ऐसा कौन सा राजा होगा जो बेवकूफ होगा, जो इतना बड़ा ज्ञानी है कि लात मार रहा है अपने भाई को, और क्यों मार रहा है कि तू भाई यहां से भाग जा, तो भाग के कहां जाएगा भाई? दुश्मन सेना बाहर खड़ी है, वहां जाएगा, और वो आपकी सबसे कमजोर कड़ी होगी, जो आपका महामंत्री है, आपके सबसे बड़ा समझदार, आपके यहाँ रणनीतिकार है, उसको आप कह रहे हो जाओ तुम विपक्षी सेना मिलना, मिल जाओ जाके। उसके साथ माल्यवंत जाता है, उनका सेनापति चला जा रहा है जो महामंत्री है, निपुण है उनके यहाँ, और वो जाने दे रहा है। यार अगर ऐसी स्थिति होती तो उठा के जेल में भी तो डाल सकता था। ऐसे ही माता कैकेयी को बदनाम करते हैं। माता कैकेयी को समझने के लिए 4 जन्म लेने पड़ेंगे लोगों को, तब माता कैकेयी समझ पाएंगे। ठीक वही रावण के लिए कि 7 जन्म लेगा आदमी, तब रावण को समझ पाएगा कि रावण असलियत में है क्या। रावण राम और रावण एक सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है। अब आपको तय करना है कि आप अपने अंदर सिक्के का कौन सा पहलू रखना चाहते हैं। राम तो कोई नहीं बन सकता, राम प्रकृति है, राम तो आदिदेव है, वो तो नहीं बन सकते आप। रावण ही बन लो, उसी में भलाई है भाई। उसने गलत क्या किया? वो जब कुंभकर्ण से कहता है, जो हमारे यहाँ जो अध्ययन करने का तरीका है, हमारे यहाँ जो चीज़ें बताई और पढ़ाई जाती हैं, जो हमारे यहाँ इतिहास लिखा जाता है, सांस्कृतिक इतिहास लिखा जाता है, धार्मिक इतिहास लिखा जाता है, उसमें बताया जाता है कि रावण कौन था, दूसरे की बीवी को उठा लाया भाई, किसी की पत्नी को किडनैप कर लाया, आधुनिक भाषा में कहें तो हम कि अपहरण किया उन्होंने सीता का। राम कौन था? जो अपने सुखों के लिए लोगों से लड़ता रहा। इस तरह में पढ़ाया जाता है, तो लोग ना राम बन सकते हैं ना रावण बन पाते। तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए एक चीज़ और समझिए, आप दूसरे की भाषा को क्यों समझ रहे हैं? आप अपनी भाषा क्यों नहीं समझना चाहते? आप पहली चीज़ ये समझिए कि आप उनको करीब से जाके देखिए। तो राम और रावण, रावण ने भी वही किया जो राम ने किया। राम जितना त्याग कोई नहीं कर सकता जीवन में। मैं ये कह रहा हूँ कि राम ने जितना बड़ा त्याग किया, मैं नई किताब में यही चीज़ लेके आ रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ और है, नई किताब में मैंने एक और चीज़ लिखी है, धर्म की परिभाषा क्या है, उससे आप एक लाइन समझ जाओगे। क्या होता है कि रावण ने कहा कि जब लक्ष्मण उनसे ज्ञान लेते हैं तो लक्ष्मण पूछते हैं कि धर्म क्या है। बोले धर्म कुछ नहीं है, धर्म अनुशासन है, और अपने हिसाब से लोग अनुशासन तय कर लेते हैं अपना, और उसी को धर्म मान लेते हैं। तो ठीक, ये वही स्थिति है कि हम अपने हिसाब से चीज़ें, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति वही है, हमें दूसरे की बीवी में इंटरेस्ट है, हमें दूसरी के चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हम कहते हैं कि साहब वो तो रावण करता था। रावण को अपनी तरह ढाल, रावण को अपने अपने जैसा, राम को भी हम वैसे दिखाते हैं। अभी अगर आप पता चले किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ा होगा, तो उससे अगर आप बहस करेंगे तो जानते क्या कहेगा, अरे राम ने छोड़ दी तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन आप राम के पीछे की संस्कृति नहीं समझ रहे हो। दिक्कत ये है, लोग क्या है, लोग अपने हिसाब से चीज़ों को ढालने के लिए तैयार हैं। यही रावण कहता है कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म अनुशासन है, ज्ञान है। जिस दिन आपको धर्म का अनुशासन और ज्ञान समझ में आ गया, उस दिन भक्ति आ जाएगी। विजयदशमी पर क्या प्रण करना चाहिए रावण को लेकर, लोगों को क्या लगता है इतना लिखने के बाद? मुझे ये लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, उसको सबसे पहले राम और रावण को समझना चाहिए। प्रण तो बाद की बात है, आप कुछ प्रण जीवन में करो ना करो, लेकिन अगर इन दोनों को समझ भी लिया आपने, अगर 2% भी समझ लिया, 100% तो कोई नहीं समझ सकता, अगर 2% भी समझ लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। ये थे शैलेंद्र तिवारी जी, जो रावण के बारे में
विविध आयामों पर दृष्टिपात कर रहे थे। रावण को एक अलग नज़रिए से समाज के सामने रखने की कोशिश लंबे अरसे से शैलेन जी की रहती है, और शैलेन जी आपने आके वक्त दिया, और जैसा शैलेन जी कहा कि अगर राम रावण के कुछ अंश भी हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो यह विजयदशमी आपके लिए ज़रूर लाभदायक सिद्ध होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।